बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत जैसे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसके अंतर्गत जो भी पहले सब्जेक्ट यहाँ पर विषय की बात हो जाएगी, चाहे मैं इंग्लिश का पेडागोजी पढ़ाओ, चाहे इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाओ, चाहे हिंदी पढ़ाओ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, तो फिर सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ आज हम पहली बार पहला क्लास ये बाल विकास पढ़ा रहे हैं, बाकी बहुत सारा कुछ जैसे कि एनवायरनमेंट से एक ही दो वीडियो में मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। एनसीईआरटी से बेस्ड ये किताब आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड है और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना है। चैप्टर आप देख लीजिए, चैप्टर सारे चैप्टर जितने चैप्टर से पूछे जाते हैं सारे चैप्टर है इसमें। जैसे यहाँ पर पहला कहता है, मैं शुरू कर रहा हूँ कि बाल विकास से रिलेटेड ये जितना भी चैप्टर है सबको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, 5-10 मिनट में जो भी समय लगे उसमें मैं एक एक को कवर करता जाऊंगा इसमें, इसलिए क्योंकि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपके सिलेबस में कितने ये चैप्टर्स हैं, इससे ये जानकारी आपको मिल जाएगा कि इतना चैप्टर। अब जैसे इसमें है नेक्स्ट, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालकों की पहचान। प्रतिभाशाली मतलब जो बालक पढ़ने में अच्छे हो, सृजनात्मक हो, कोई भी चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताने पर वो चिंतन करने लगता हो, समझने लगता हो, प्रश्न पूछने लगता हो, ऐसे बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं। सृजनात्मक बालकों की पहचान ये भी शिक्षक को करना चाहिए ताकि उसे बेहतर से और समझने में मदद कर सके, अधिक से अधिक जानने में मदद कर सके, इस तरह की बातें इसमें। नेक्स्ट है तीसरा भाग, अधिगम और अध्यापन। अधिगम मतलब सीखना होता है, अध्यापन का मतलब होता है शिक्षा देना। पहला चैप्टर है बालक कैसे सोचते हैं और वह सीखते हैं। पहला चैप्टर है जिसमें लिखा है कि बालक कैसे सोचते हैं वह सीखते हैं, यानी कि वह कुछ भी सोचते हैं इसका मतलब वह सीखते हैं। शिक्षण दूसरा नंबर है, शिक्षण व अधिगम की मूल प्रक्रियाएँ। शिक्षण व अधिगम की मूल प्रक्रियाएँ, शिक्षण और अधिगम की मूल प्रक्रियाएँ का मतलब है कि जो शिक्षा देता है और अधिगम, अधिगम का मतलब भी होता है शिक्षा देना कि मूल प्रक्रिया, इसकी मूल प्रक्रियाएँ क्या है, कैसे कैसे शिक्षा शिक्षण कार्य किया जाता है। बालक एक समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में है। अब जैसे बालक एक समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, एक बालक जो होता है वह समस्या, उसकी जो दिक्कतें होती है उसका समाधान करना वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, यानी कि उसके उसको वैज्ञानिक रूप से ट्रीटमेंट करना होता है कि किस तरह से बालक को बेहतर से बेहतर बताया जाए ताकि वह अच्छे से सीख सके, उसे कभी बर्डन नहीं लगे। जैसे अभी जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो शिक्षा नीति लागू की गई है विदाउट बर्डन टीचिंग, वो बहुत ही अच्छी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, प्रयास ये लागू हो जाए तो मुझे लगता है कि जो बच्चे अब स्कूल में पढ़ेंगे वो बहुत ही भाग्यशाली होंगे, क्योंकि ऐसी शिक्षा नीति इससे पहले ना तो आई थी, प्रयास आएगी भी नहीं, क्योंकि इतना बेहतर है। अगर इतना सारा कुछ कर दिया जाए तो फिर कहता है कि बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं का मतलब होता है बच्चे में सीखने की कौन कौन सी विकल्प है, कौन कौन सा उपाय है। नेक्स्ट कहता है संज्ञान तथा संवेग। संज्ञान तथा संवेग से मतलब है कि संज्ञान मतलब कोई ज्ञान और संवेग का मतलब होता है किस विधि के द्वारा। अभिप्रेरणा व अधिगम, अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी बच्चे को किस प्रकार से अभिप्रेरित किया जाए ताकि वह अधिगम कर सके, मतलब किस तरह से अधिगम किया जाए ताकि वह सीख सके। अधिगम में व्यक्तिगत व वातावरणीय कारकों का योगदान। यहाँ कहता है कि अधिगम में व्यक्तिगत, एक बच्चे
व वातावरणीय कारकों का योगदान, यानी कि व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति का और वातावरण जो होता है जहाँ पर वह पलता बैठता है उसका क्या योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है। अगर अच्छे संस्कार अच्छे जगह अगर रहेंगे तो अच्छी नीति उसके अंदर में आएगी, अगर बुरे संगत में पड़ेंगे तो बुरी। तो बहुत सारी अवधारणाएँ हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर पहला है इस भाग में कि विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ इसका संबंध। यहाँ कहते हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका क्या संबंध है इसके बारे में। बाल विकास के सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। अनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अनुवंशिकता जो हमारे पूर्वजों से आता है, जो नेचुरली मिलता है हमें, एवं वातावरण का प्रभाव जो जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण की प्रक्रिया, पियाजे कोहलबर्ग वायगोत्सी का सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का की अवधारणा, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, भाषा और विचार के चिंतन, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, व्यक्तिक विभिन्नता, ये सारे चीज़ का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अधिगम का आकलन और सतत और व्यापक मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। तो ये सारे चैप्टर जो है सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। उपलब्धि मूल्यांकन, प्रश्न निर्माण, आलोचनात्मक चिंतन, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये पहला चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है। पहला चैप्टर है विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। अब जैसे इस चैप्टर को अगर हम एक्सप्लेन करने की बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले इसमें कह रहा है विकास की अवधारणाएं। विकास मतलब होता है डेवलपमेंट, क्या क्या अवधारणाएं हैं, किस किस तरह से विकास हो सकता है। अधिगम के साथ उसका संबंध और सीखने से इसका क्या संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। यहाँ देखिए इस अध्याय में अंतर्निहित विषय वस्तु क्या सब है। परिचय से रिलेटेड, विकास का अर्थ एवं प्रकृति, विकास के नियम व उपयोगिता, वृद्धि व विकास में अंतर, विकास की अवस्थाएं, प्रमुख अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मानव विकास के विभिन्न पक्ष, शैशवावस्था अवस्था और शारीरिक विकास, शैशवावस्था और मानसिक विकास, जन्म से पूर्व वर्ष, दूसरा वर्ष। अब जैसे देखिए इसमें बहुत सारा बहुत ही हिंदी पूरा दिया हुआ है, तो जो इंग्लिश मीडियम होंगे पढ़ाप्स आप चिंता न करें, मैं एक ऐसा वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा जिसमें केवल और केवल मीनिंग से रिलेटेड होगा। जो मीनिंग अगर आपको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होता होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा हिंदी इसमें दिया हुआ है इस थ्योरी में, बाल विकास से रिलेटेड जो भी आपको ये मिलेगा इसमें बहुत सारा मीनिंग वाला आ जाएगा आगे चल करके, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ही हिंदी दिया हुआ है क्योंकि मैं चाह रहा था कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम हो जाए इसमें, लेकिन ऐसा किताब मुझे मिला नहीं। और अभी लॉकडाउन में मैं कहीं जा भी नहीं सकता कि मैं इस तरह का कोई बेहतर कुछ कर सकूं। नेक्स्ट कहता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मानव विकास के विभिन्न पक्ष, शैशवावस्था और शारीरिक विकास, शैशवावस्था और मानसिक विकास, जन्म से पूर्व तक, जन्म से प्रथम वर्ष तक, यानी कि जन्म से लेकर के और प्रथम वर्ष तक उसका मतलब से क्या क्या विकास होता है, दूसरा वर्ष, उसके बाद है शैशवावस्था और सामाजिक विकास, शैशवावस्था और सांवेगिक विकास, शैशवावस्था में शिक्षा, व्यक्तिक विभिन्नता पर उचित ध्यान, बाल्यावस्था और शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था और सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में शिक्षा, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था और मानसिक विकास, किशोरावस्था एवं संवेगात्मक विकास, किशोरावस्था और सामाजिक विकास, विकास एवं अधिगम।
विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। अब जैसे देखिए, इतना सारा पॉइंट आपको केवल और केवल एक चैप्टर से मिल जाएंगे, और ये कभी ना सोचेंगे कि ये इतना सारा कुछ जो पढ़ाने, ये मेरा काम।